हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्ष स्वामी और आपके अपने चैनल टेकविज पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं सैमसंग के लेटेस्ट अपकमिंग स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी S21 FE यानी फाइन एडिशन के बारे में। दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपके साथ इसका एक कम्प्लीट ओवरव्यू आपको प्रोवाइड करेंगे, एक कम्प्लीट वर्डिक्ट आपको प्रोवाइड करेंगे कि आपको इस स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सैमसंग का ये जो स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE, इसको कंफर्म था 11 अगस्त को लॉन्च होना, लेकिन दोस्तों जो ग्लोबल चिप शॉर्टेज चल रही है उसकी वजह से सैमसंग को इस स्मार्टफोन की लॉन्च को डिले करना पड़ा। और दोस्तों, अभी काफी स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे हैं कि ये स्मार्टफोन 8 सितंबर को लॉन्च होने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जितनी भी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ सैमसंग गैलेक्सी S21 फाइन एडिशन के बारे में शेयर कर रहा हूं, दोस्तों वो सभी स्पेसिफिकेशंस टीना सर्टिफिकेशन के दौरान लीक हुई है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी S21 फैन एडिशन ओरिजिनल सैमसंग गैलेक्सी S21 का एक चीपर वर्जन जरूर होने वाला है, लेकिन दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको एक फ्लैगशिप फोन के एक्सपीरियंस को जरूर प्रोवाइड करेगा। दोस्तों, पहली चीज जो किसी भी स्मार्टफोन के अंदर हम एक्सपीरियंस करते हैं वो है स्मार्टफोन की डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। और दोस्तों, सैमसंग की डिस्प्लेज हमेशा से ही वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज रहती है स्मार्टफोन मार्केट के अंदर। दोस्तों, अगर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो सैमसंग गैलेक्सी S21 फैन एडिशन में आपको मिलता है एक 6.4 इंच का सुपर एमोलेड HDR 10 प्लस डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। और यहां पर आपको एक इन्फिनिटी ओ स्टाइल में आपको कटआउट मिलता है कैमरा लेंस के लिए। वहीं दोस्तों, अगर बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S21 फैन एडिशन के बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये एल्यूमिनियम फ्रेम पे बना होगा और दोस्तों ये स्मार्टफोन पॉलीकार्बोनेट बैक पैनल के साथ में आने वाला है। दोस्तों, सैमसंग का ये स्मार्टफोन IP68 रेटेड होगा यानी वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट ये स्मार्टफोन होने वाला है। दोस्तों, बात करते हैं एक नेक्स्ट कंपोनेंट जो किसी भी स्मार्टफोन के अंदर एक मेजर रोल अदा करता है, वो होता है स्मार्टफोन की बैटरी। क्योंकि कितना ही हाई एंड स्मार्टफोन क्यों ना हो, कितना ही टॉप स्पेक स्मार्टफोन क्यों ना हो, अगर उसकी बैटरी लाइफ अच्छी नहीं है तो स्मार्टफोन की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं बनती है। और दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी S21 फैन एडिशन के अंदर आपको एक 4500mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों, ये जो बैटरी रहेगी ये 25 वाट्स का फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी और 15 वाट्स की वायरलेस चार्जिंग को ये सपोर्ट करने वाली है। दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी S21 फैन एडिशन में आपको एक ट्रिपल रियर कैम सेटअप देखने को मिलने वाला है। पहला जो कैमरा होगा वो होगा 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा। सेकेंड, आपको स्मार्टफोन में 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलने वाला है। और थर्ड, आपको यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलने वाला है। वहीं पे दोस्तों, अगर बात करें फोन के फ्रंट कैमरा टेक्नोलॉजी के बारे में, तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S21 फैन एडिशन में आपको एक 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है फ्रंट में इन्फिनिटी ओ कटआउट के साथ में। दोस्तों, अगर बात करें सैमसंग गैलेक्सी S21 फैन एडिशन की हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो इंटरनल स्टोरेज में आपको इसमें दो ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं। एक ऑप्शन होगा आपके पास 6GB रैम 128GB स्टोरेज और दूसरा ऑप्शन होगा 8GB रैम 128GB स्टोरेज और 256GB इंटरनल का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों, अगर इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर की अगर हम बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको दो प्रोसेसर देखने को मिल सकते हैं। पहला जो प्रोसेसर होगा वो होगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और दूसरा जो प्रोसेसर है वो है एक्जिनोस का 2100 प्रोसेसर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। दोनों ही प्रोसेसर आपको टॉप नॉच परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो सैमसंग गैलेक्सी S21 फैन एडिशन एंड्रॉयड 11 के साथ आता है आउट ऑफ द बॉक्स विद सैमसंग का टचविज 1 UI 3.1 और सैमसंग नोक्स की सिक्योरिटी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों, अगर हम फोन की बाकी स्पेक्स के बारे में बात करते हैं, तो फोन के राइट हैंड साइड आपको बटन मिलता है वॉल्यूम रॉकर के लिए और दोस्तों दूसरा बटन आपको मिलता है फोन को लॉक और अनलॉक करने के लिए। सैमसंग ने यहाँ पर आपको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर प्रोवाइड किया है सैमसंग गैलेक्सी S21 फैन एडिशन के अंदर, जो कि अंडर डिस्प्ले आपको मिलने वाला है। दोस्तों, अगर स्पीकर्स की बात की जाए तो सैमसंग के इस स्मार्टफोन में आपको स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, ये जो स्टीरियो स्पीकर्स होंगे ये ट्यून होंगे AKG के द्वारा, जो कि टॉप नॉच स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। और दोस्तों, अभी जो लेटेस्ट में जो लीक्स हुए हैं इस स्मार्टफोन के बॉक्स के बारे में और जो लेटेस्ट टीना सर्टिफिकेशन में चाइना के अंदर इसकी जो डिटेल्स लीक हुई है, उससे एक बात क्लियर हो जाती है कि इस स्मार्टफोन में आपको कोई भी SD कार्ड का स्लॉट नहीं मिलने वाला है और नहीं आपको सैमसंग गैलेक्सी S21 के बॉक्स के अंदर कोई चार्जर मिलने वाला है। तो दोस्तों, सैमसंग ने अपनी जो FE लाइनअप है उससे भी चार्जर को रिमूव कर दिया है। और दोस्तों, ये थे कुछ एक्सपेक्टेड फीचर जो आपको सैमसंग गैलेक्सी S21 फैन एडिशन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। वहीं दोस्तों, इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग सैमसंग ने अभी तक ऑफिशियली रिवील नहीं किया है, लेकिन दोस्तों अगर इसकी एक्सपेक्टेड कॉस्टिंग की बात की जाए तो दोस्तों ये स्मार्टफोन 45,000 से लेकर के आपको 60,000 तक की रेंज के अंदर मिल सकता है।
और दोस्तों ये स्मार्टफोन डायरेक्टली कम्पीट करेगा OnePlus 9 के साथ और iPhone 12 सीरीज के साथ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या सुझाव है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को अभी का भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा मोटो बिल्कुल क्लियर है कि आपके टेक बैंक एक्सपीरियंस को सिंप्लीफाई करना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।